ट्रिग्नोमेट्री हम आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच है मैथ्स का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स, मीन्स ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में और उसके साइड्स के बारे में, जो कोरिलेशन है उसके बारे में देखते हैं, मीन्स मेजरमेंट उसके मापन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, सबको पता है। इसमें हम आपको बताए थे देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका था कि व्हाट इज अ लाइन, लाइन क्या है, रेखा किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ रे, किरण किसको बोलते हैं, एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, या पॉइंट आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो लाइन किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ लाइन, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज अ लाइन, रेखा क्या है, बोथ साइड, बोथ साइड, यस यू टेल मी, रेखा क्या है, लाइन, लाइन यू नो, लाइन देखो, दिस इज योर लाइन, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो लाइन है ए बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब देखो इसमें दोनों साइड नहीं है, एक्सटेंड कर सकता है कहां तक, इनफिनिट तक। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, रेखा का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है, क्लियर है। ये दोनों साइड में जो इनफिनिट तक जा सकता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वॉज रे, रे क्या होता है, कैन एक्सप्लेन मी, रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट जो है वो इन्फिनिट तक जाता है। इसमें क्या है, इसमें दोनों पॉइंट इन्फिनिट तक एक्सटेंड हो सकते हैं, मीन्स अनंत बिंदु तक जा सकते हैं, दोनों पॉइंट जो है लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों अनंत बिंदु तक जा सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। रे में क्या होगा, एक आपका फिक्स पॉइंट होता है और एक पॉइंट जो है वो एक्सटेंड करता है इन्फिनिट तक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रे, तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, आई हैव डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू। What about line segment? If you talk about line segment, try to understand here. Line segment. अगर हम line segment की बात करें, तो line segment में क्या होता है? Line segment में दोनों end point fix होते हैं. What is the end point? जो इसका last बिंदु है, ये इसका end point हुआ. तो इसमें end point क्या होते हैं? दोनों fix होते हैं. जैसे ही हम बोलते हैं कि draw a line segment. जब भी आपको instruction के संरचना के कोई पार्ट को आप पढ़ते हैं मैथ्स में, तो क्या बोलते हैं उसमें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर या ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर और ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज हम लोग बोलते हैं, व्हाई वी आर सेइंग लाइन सेगमेंट, इसलिए कि उसमें उसका लेंथ क्या है, फिक्स है, दोनों पॉइंट लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, तो टू एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड ऑन दैट केस, इन दैट केस यू कैन से दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो देखो ए और बी दोनों इसमें क्या है, फिक्स है। इस केस में हम इसको बोलेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होते हैं, तो दिस इज फर्स्ट एंड पॉइंट, दिस इज सेकंड एंड पॉइंट, इसको बोलेंगे पहला एंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट एंड दिस इज सेकंड एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट, क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, ये सब तो बेसिक है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। अब हम आपको बताए थे, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल, एंगल का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, एंगल के कॉन्सेप्ट में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एंगल इज मेड बाय विच ऑफ दीज थिंग, लाइन रे और लाइन सेगमेंट। कैन एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट, कि एंगल जो है वो किससे बनता है, लाइन से बनता है, रे से बनता है, या जो कल के क्लास में थे उनसे नहीं, तो नहीं थे उनसे हम पूछ रहे, लाइन से बनता है, रे से बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है एंगल, ये सब बेसिक बेसिक चीजें होती है, समझती होती है, यहीं से आपका समझना अंडरस्टैंडिंग पावर यहीं से डेवलप होती है। यस रे से यू से बनती है, आप तो आ रही थी पिछले क्लास में, यस यू, अच्छा आप भी आए थे, यस। तो ये देखो आप, जब भी एंगल होगा तो एंगल में क्या होता है, एंगल कैसे बनता है,
इस तरह से कोई एक रे रेस एंगल बनता है, ठीक है। तो सनलाइट को जैसे बोलते हैं ना, सनलाइट को सन रेस, डू नो अबाउट दिस, कि सन लाइट को बोलते हैं क्या, सन रेस। तो सन रेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज सन इज द एंड पॉइंट एंड द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन गोज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, गोज अप टू इनफाइनाइट, यू कैन सी। तो ये चीज जो है आपका, जो भी रेज वहां से आएंगे वो कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि सन क्या है, आपका एंड पॉइंट है। तो उसी तरह से रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट, एक साइड जो है इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, क्लियर है सबको। तो इस रे के इस साइड को, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, दिस इज नोन एज इनिशियल साइड। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट, इनिशियल साइड, जो इनिशियल शाइन होता है। अब ये रे का क्या होता है, रोटेशन होता है। तो रोटेशन दो तरह से हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लियर है पॉइंट। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन किसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन मींस घड़ी की दिशा की ओर, मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी जैसे मूव करती है उसी तरह से आपका जो है रे का रोटेशन होगा। तो घड़ी कैसे मूव करती है, सबको पता है, इस तरह से, लाइक दिस। This rotation is known as clockwise. Anti-clockwise rotation. अगर हम बात करें anti-clockwise rotation की, anti-clockwise rotation, मतलब इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा के विपरीत। तो विपरीत कैसे होगा, इसका जस्ट रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा आपका, लाइक दिस। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो रे का जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो देखो कैसा होगा, इस तरह से होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो रेज अब यहाँ पे टर्मिनेट करके आएगी, तो जो इसका इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन दिस इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। दिस साइड इज नोन एज टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू आर नॉट, दिस इज नोन एज टर्मिनल साइड। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द इनिशियल साइड, मतलब द इंक्लिनेशन बिटवीन द इनिशियल साइड एंड द टर्मिनल साइड ऑफ अ रे इज नोन एज एंगल, क्लियर पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल। तो अब यहाँ हमारा मेन कंसर्न ये है कि ये थीटा क्या है, ये एंगल कैसा होगा। जब कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस केस में थीटा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, तो थीटा पॉजिटिव लेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्लियर है पॉइंट सबको। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा किसी भी रे का तो थीटा पॉजिटिव लेंगे, मींस थीटा जो है वो प्लस में हमेशा लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रे है आपका, दिस इज अ रे ए बी, एंड अब इसका क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे होगा लाइक दिस, यू कैन से लाइक दिस। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये थीटा कैसा होगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा किसी भी रे का अबाउट इट एंड्स पॉइंट, अबाउट इट्स एंड पॉइंट, ठीक है, इसके एंड पॉइंट के अबाउट ही तो रोटेशन हो रहा है इस रे का। तो एंड पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होगा इसको बोलेंगे हम। अब जब क्लॉकवाइज होगा तो थीटा उसके हम नेगेटिव लेंगे, तो दैट वुड बी नेगेटिव एंगल, क्लियर है सबको पॉइंट। ये आपका हो जाएगा नेगेटिव एंगल और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, क्लियर है। अब आपको ये पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछा जाता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर negative x and this is your negative y, ये angle आपको पूछा जाएगा कि ये angle क्या होगा, positive होगा या negative होगा, what about this angle, negative, ये कैसा angle है, ये कैसा है, ray का rotation, मतलब ये ray है actual में, आपको ये इसका end point ये मानना है किसके अबाउट इसका rotation हो रहा है, इस एंड पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो ये कौन सा था, यही यहाँ पे पहले रे था, रे का इनिशियल साइड ये था, दिस इज द इनिशियल साइड ऑफ द रे, क्लियर है पॉइंट। अब क्या हुआ, इसका रोटेशन हुआ, रोटेशन में क्या हुआ, यहां तक आया यही रे सेम। तो कैसा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट सबको, नेगेटिव एंगल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अब कहते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, यस ये एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव जो है वो एक्यूट एंगल होगा,
क्लियर है पॉइंट? नेगेटिव एंगल में क्या होगा? एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है एज वेल एज 90 डिग्री से लेस होता है. द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एन एक्यूट एंगल. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस आई थिंक. जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल. हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण. ये है. अगर आप देखो ऐसे इसको लोगे तो ये पूरा लाइन जो है 180 डिग्री का एंगल बनाएगा. 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल निकल जाएगा. या इसका स्लोप भी आपको पता है तब भी ये एंगल निकाल सकते हो. अगर क्वेश्चन में ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आए तो आप क्या करेंगे? इसका स्लोप पता है. स्लोप मीन्स एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है ये आपका होता है थीटा. और इसका टैन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है. क्लियर है पॉइंट? टैन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है. तो ये थीटा पता है तो 180 माइनस थीटा ये वाला एंगल निकल जाएगा. क्लियर है? और ये जब एंगल आएगा तो ये 90 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल निकल आएगा. तो ये आप एक्चुअल में देखोगे ये वाला एंगल निकल आएगा, फिर 180 माइनस समथिंग करोगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा. लेकिन डायरेक्टली आप यहां से कुछ कर सकते हैं कि ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. क्लियर है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. कैन यू कमेंट अबाउट दैट? होंगे ना इक्वल? ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? लेकिन वो नेगेटिव एंगल होगा. समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल. तो कब हम थीटा पॉजिटिव लेंगे, कब थीटा नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो जैसे आप मास को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप किसमें मेजर करते हैं? केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में, तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं. उसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं. ठीक है, उस सिस्टम को हम वन बाई वन पढ़ेंगे. वी विल स्टडी दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वन बाई वन. क्लियर है सबको? कोई चीज लिखना है? इफ यू वॉन्ट टू राइट एनीथिंग फ्रॉम दैट एनी टाइम. पॉइंट ऑफ दिस इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. देखो आप सब लोग ध्यान देंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं. ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे. तो कोण के जो है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं मेजरमेंट के. तो फर्स्ट आपका सिस्टम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम. इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम. इसमें एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन मेनली इसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम. इस सिस्टम में जो आपका एंगल का यूनिट होता है, एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री. एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं. क्लियर? क्लियर सबको पॉइंट? एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं. तो अभी तक जो हम पढ़ते आए क्लास टेंथ तक आपने जो भी पढ़ा होगा तो उसमें एंगल्स जब भी पूछे जाते थे तो आप हमेशा डिग्री में बोलते थे. लेकिन जैसे ही इलेवेंथ में आते हो तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे ग्रेड का भी आ जाता है और एज वेल एज रेडियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. क्लियर है? तो एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री. अब देखो यहाँ पे दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. सबको पता है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल एट बी. किस पे राइट एंगल है? पॉइंट बी पे. सबको क्लियर है पॉइंट? तो राइट एंगल एट बी. अब देखो वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री. यू आर सेइंग कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो 90 डिग्री को आप डिवाइड करोगे 90 इक्वल पार्ट्स में तो 1 डिग्री हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? 90 डिग्री को आप डिवाइड करोगे 90 इक्वल पार्ट्स में तो 1 डिग्री हो जाएगा. समझ में आ रहा है? और 1 डिग्री आपका होगा 60 मिनट. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. एंड 60 मिनट को आप डिवाइड करोगे 60 इक्वल पार्ट में तो वो क्या हो जाएगा? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इन दैट केस 1 मिनट. और 1 मिनट ऐसे मिनट का वो सिंबल होता है. 1 मिनट इज इक्वल टू, या हम लिखते हैं इसको 60 सेकंड.
दिस इज द सिंबल ऑफ सेकेंड एंड इसको बोलते हैं हम लोग ये मिनट का सिंबल है एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सेकेंड. तो 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds ऑल ऑफ यू नो. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्साडेसिमल सिस्टम. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट. नेक्स्ट इज इसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम. सेंटेसिमल सिस्टम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सेंटेसिमल सिस्टम देखो, सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एंगल को हम लोग मेजर करते हैं ग्रेड में. वी कैन से दैट कि एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड. ठीक है, एंगल को किसमें मेजर करते हैं जी, ग्रेड्स में. एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड्स. व्हाट वी कैन से कि एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड्स. तो ग्रेड्स, ग्रेड में मेजर करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आप देखोगे ग्रेड में मेजर करते हैं. तो ये राइट एंगल है, तो 1 right angle इज इक्वल टू होता है 100 grade. ग्रेड का ये सिंबल होता है. तो 1 right angle इज इक्वल टू 100 grade. Have understood this point ना? तो 1 right angle इज इक्वल टू 100 grade. ठीक है, अब 100 grade को डिवाइड करोगे किसमें, 100 grade को डिवाइड करोगे 100 equal parts में, तो 1 grade आएगा. 1 grade इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, कैन यू एक्सप्लेन मी. तो 1 grade इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा, बता सकता है कोई? अब 100 grade को आपने क्या किया, 1 grade किया. अब यहां से आप निकाल सकते हो, देखो 1 degree कितने मिनट इक्वल है, देखो 90 degree हो जाएगा आपका. अब 1 grade आपको मिनट में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्जन अगर आपको नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम नॉट सेइंग टू रिमेंबर एनीथिंग इन मैथ्स, आई एम सेइंग यू टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट ओनली. कोई भी फॉर्मूला कोई चीज नहीं याद रखना मैथ्स में, बिना फॉर्मूले के बिना कोई चीज के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे. ठीक है, देखो 100 grade. अब देखो यहाँ पे क्या है, 60. 1 degree is equal to 60 minute. यहां से देखो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, 90 degree is equal to कितना हो जाएगा, 100 grade. क्लियर है पॉइंट? तो 1 degree is equal to कितना हो जाएगा, 1 degree is equal to 90 degree is equal to 100 grade है ना. तो 1 degree is equal to कितना हो जाएगा, 100 upon 90. This becomes cancel out और ये grade हो गया. क्लियर है? अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, डिग्री को मिनट में. तो 1 grade इज इक्वल टू आपको लिखना है ना, तो 1 grade इज इक्वल टू हाउ मच मिनट. तो 1 degree को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 minute हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 upon 9 grade. तो 1 grade क्या हो जाएगा, तो 9 into 16 into 9 upon 10. क्लियर है पॉइंट? ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से सबको समझ में आ रहा है? तो 1 grade इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, 60 into 9 upon 10. और 10 6 60 और 9 6 54. ये आपका मिनट में हो गया. ठीक है, तो 1 grade इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 54 मिनट. तो ये आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, और 1 minute यू नो इज इक्वल टू 60 seconds. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? This point is clear to all of you? Okay. So this is about centesimal system. कोई से याद नहीं रखना है, nothing you have to remember. Clear है ना point? Next part of this. Third number is radian measure. Third number, what we can say, radian measure or circular measure. थर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन मेजर और सर्कुलर मेजर. तो व्हाट वी कैन से इन द केस ऑफ रेडियन मेजर, तो व्हाट इज 1 radian? इफ यू कॉल कि 1 radian इज व्हाट, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि 1 radian, तो 1 radian क्या होता है, समझो इस पार्ट को. तो 1 radian इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 unit. ठीक है, ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 unit. ठीक है, तो आप समझो 1 unit आर्क के द्वारा
ठीक है, वन यूनिट रेडियस वाले सर्कल पे जो उसके सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वही क्या होगा आपका, वन रेडियन हो जाएगा। तो वन रेडियन को हम डिफाइन करते हैं, जैसे देखो एक यूनिट आर्क का, जैसे आपका ये क्या पार्ट है, वन रेडियन में डिफाइन करते हैं। तो इसका सर्कल का मान लेते हैं कि सेंटर जो है वो यहाँ पे है, क्लियर पॉइंट। अब देखो इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं वन यूनिट है, क्लियर है, वन यूनिट है, सबको समझ में आया। तो वन यूनिट है इसका रेडियस। अब देखो और ये लेंथ ऑफ आर्क जो है मान लेते हैं कितना है, वन यूनिट। तो वन यूनिट लेंथ वाले आर्क के द्वारा वन यूनिट रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, दिस एंगल वुड बी वन रेडियन, सी से डिनोट करते हैं इसको, क्लियर है सबको, इसको बोलते हैं वन रेडियन। समझ में आया सबको? तो वन रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ वन यूनिट एंड एन आर्क ऑफ लेंथ वन यूनिट टू द सर्कल, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस वन यूनिट, ठीक है। तो आपका जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल, इन सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, वन यूनिट वाले आर्क के द्वारा, आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, चाप पता है ना आपको, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, क्लियर है, ये सब तो पता ही होगा, रेडियस त्रिज्या आर्क बोलते हैं चाप। तो वन यूनिट आर्क के द्वारा वन यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त के जो केंद्र पर कोण बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं कि वो कोण कितना होगा, एक रेडियन होगा, वन रेडियन। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो लिख लो आप, अगर लिखोगे तो वन रेडियन इज डिफाइंड एज, वन रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय एन आर्क, द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ वन यूनिट, वन रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ वन यूनिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस वन यूनिट, द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस वन यूनिट, क्लियर है पॉइंट सबको। तो ये आपका वन रेडियन हो जाएगा। अब रिलेशनशिप देखना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, डिग्री एंड रेडियन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम में काफी ज्यादा यूज होता है। और यहां से एक फॉर्मूला आता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सबको पता होगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा शायद, इसका भी प्रूफ भी है बट देयर इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ फॉर यू, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इसका प्रूफ का। तो आप बस ये याद रख लो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल क्या होता है, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर पॉइंट, एंड थीटा ये होगा आपका रेडियन में होगा, ये आपका किस में होगा, रेडियन में होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसका एप्लीकेशन अभी बताएंगे हम आपको, ये पूरा इसके ऊपर एक टॉपिक है, अभी बताएंगे इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बाद इसका थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर में भी रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करना सिखाएंगे, क्लियर है। तो अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है, क्लियर है पॉइंट, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल पे ये एंगल कितना होगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, 180 डिग्री, 180 डिग्री, सबको समझ में आ रहा है, 180 डिग्री, क्लियर है, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। तो अब 180 डिग्री आपका जो है ये एंगल है, ये एंगल सेमी सर्कुलर आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे कितना डिग्री में अगर एंगल देखें तो 180 डिग्री, कितने लेंथ वाले, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस तो 1 यूनिट होगा हमेशा, रेडियस आपका हो जाएगा 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट। तो देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सबको समझ में आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखो ये इसका एप्लीकेशन नहीं देखना, अब डायरेक्टली हम देखते हैं इसको 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री जो है वो आपका डिग्री में है, कितने वाले आर्क पे सबटेंड कर रहा है, ये आर्क की लेंथ क्या होगी, आर्क की लेंथ क्या होगी, सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ क्या होगी,
5. Iski length? 2 pi r. 2 pi r? What is this? 1. Semicircular arc ki length kya hogi? Pi r. Pi r, sorry. What are you doing? This is a concept of class 9th and 8th. ठीक है, आपको पता है कि पूरा जो है सर्कल का सर्कमफेरेंस, मतलब वही तो उसका जो पेरिमीटर होता है, पेरिमीटर हम नहीं बोलते, जब कोई भी चीज राउंड शेप में हो जाती है तो उसका सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस मतलब यही आर्क की पूरी लेंथ ही तो होती है पूरा इसका, तो सर्कमफेरेंस मीन्स इसके लोकस का पूरा लेंथ, ये कितना होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर इसका आधा जब हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका अपॉन 2, तो पाई आर, तो पाई आर वाले, पाई आर वाले जो है सेमी सर्कल पे कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, व्हाट वी कैन से दैट द एंगल इज फॉर्मड विल बी 180 डिग्री, तो आर की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू 1 ले लिया तो पाई इनटू 1 1, मतलब पाई जो होगा यहां पे रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो पाई रेडियन वाले सर्कल पे कितना बनेगा 180 डिग्री, तो आपको बोलेंगे यहां पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है सबको, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है सबको, तो अब कन्वर्जन आपको आता है, राइट डाउन दिस पार्ट, कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं, सबको समझ में आया ये पॉइंट, तो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो, लिख लिया था सब लोगों ने, Have you written all that, no? Yes, you have written all that. Okay, next point of this is conversion. Conversion हम लोग देखेंगे, ठीक है? Convert degree to radian and radian to degree, ठीक है? तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे degree to radian. तो degree to radian में क्या करते हैं? जैसे देखो degree आपका दिया हुआ है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, समझो यहाँ पे पॉइंट, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, उसके से मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर है, तो डिग्री से जो है रेडियन में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करते हो, व्हाट यू विल डू, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। ए नंबर देखो, 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 30 इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये रेडियन में हो जाएगा। तो ये देखो 36 का 180, दिस बिकम्स 5/6 रेडियन, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, 45 डिग्री इसलिए स्टैंडर्ड है, तो देखो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180, तो दिस बिकम्स 4, तो दिस बिकम्स 5/4, तो 5/4 रेडियन। क्लियर, अगर हम 0 डिग्री को देखें, देखो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180, देखो 0 डिग्री में भी 0 होगा और रेडियन में भी क्या होगा 0 रेडियन। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, डी नंबर ऑफ पार्ट 60 डिग्री को अगर लिखेंगे तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये सभी स्टैंडर्ड बता रहे हैं, 63 सर 130, तो पाई अपॉन 3। क्लियर है सबको, नेक्स्ट ई नंबर आप कन्वर्ट करके दिखाओगे 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 150 डिग्री को क्या लिखेंगे, डिग्री को क्या लिखेंगे, ठीक है, और ये 360 डिग्री और 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो आपको पता ही है पाई रेडियस, ठीक है, तो 180 को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, तो 180 डिग्री के बारे में अगर आपको करना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियस, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियस, तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप, आ गया सबका आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, दिस इज वेरी इजी ना, आ गया ना सबका आंसर, 120 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा 2 से 2 6
12 and 3 say 3 6 are 18 to 2 pi by 3. Point is clear or not? Next 90 degree. So 90 degree into pi upon 180 degree. So 92 is 180. This becomes pi upon 2. Clear? 150 degree. So 150 degree into pi upon 180 degree. ये हो जाएगा आपका 5 3 15 एंड 6 3 18 तो 5 pi by 6. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट 270 डिग्री तो 270 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री इसलिए कम्स व्हाट 3 से 9 मतलब 3 9 से 27 और 2 9 से 18 तो 3 pi by 2. क्लियर है? 360 क्या होगा? 360 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री. तो देखो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स 2 पाई और ये आपको पता ही है पाई होगा. तो डिग्री से रेडियन में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो पाई बाय 180 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. सबको पता है रेडियन टू डिग्री अगर करेंगे तो, इफ यू रेडियन टू डिग्री में अगर कन्वर्जन करते हैं, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्जन होगा तो उस केस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय पाई. क्लियर पॉइंट? तो देखो अगर रेडियन आपको लिखा गया है तो रेडियन मींस पाई बाय 4 रेडियन. अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 4 इनटू 180 डिग्री अपॉन पाई. तो पाई से पाई कैंसिल एंड 45 डिग्री. तो 45 डिग्री हो जाएगा. क्लियर है सबको? क्या आप ऐसे करने चाहेंगे? नो, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस. आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, देखो पाई बाय 6 अगर आपको लिखा हुआ है ऐसे तो पाई को ही मान लेना आप 180 डिग्री. पाई रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री अपॉन 6 एंड 180 डिग्री अपॉन 6 इज द 30 डिग्री. क्लियर है? ऐसे आप करना है आपको. सी नंबर इज व्हाट? पाई अपॉन अगर 5 है आपको तो आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? 180 अपॉन 5 एंड 5 से जब आप करोगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा? 36. क्लियर है? 36 डिग्री. दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट डी नंबर इज 2 pi by 3. तो 2 पाई बाय 3 मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3 एंड 3 से 63 सा 180 एंड 62 सा 120 डिग्री. दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस पॉइंट इज क्लियर. ई नंबर देखो, ई नंबर 3 पाई बाय 2. 3 पाई बाय 2 मीन्स व्हाट? 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2 एंड 2 से ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और 93 सा 270 डिग्री. दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? इस तरह से आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे किससे? 180 अपॉन पाई. तो 180 डिग्री अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे. ये सब क्लियर है सबको? ये तो आप कर ही लोगे, कर लोगे ना? सर मिनट सेकंड में भी आते हैं. यस आंसर से मिनट और सेकंड्स में भी आते हैं सर. हां तो मिनट और सेकंड का भी हम कराएं, डोंट टेक टेंशन. ठीक है, कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको. यहां से इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा. Don't have to worry about this. ये एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाएगा. अब देखो वही चीज हम आपको बताने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ मिनट एंड सेकेंड इंटू इंटू डिग्री. ठीक है, उसके बाद आप ग्रेड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आपको बताएंगे. ठीक है, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको भी बताए थे 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड. फिर से हम क्वेश्चन भी उसके ऊपर देंगे आपको. ठीक है, तो अभी देख लो आप मिनट. तो कन्वर्जन ऑफ मिनट एंड सेकेंड इनटू डिग्री. तो मिनट और सेकेंड को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे डिग्री में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ कैन वी कन्वर्ट? कन्वर्जन ऑफ मिनट एंड सेकेंड इनटू डिग्री. तो मिनट और सेकेंड का कन्वर्जन हमें क्या करना है? डिग्री में करना है. कैसे करेंगे? टेल मी अबाउट दिस. तो फर्स्ट नंबर पॉइंट इज देखो ऐसे कन्वर्जन करेंगे मिनट और सेकंड का डिग्री में. तो देखो सबसे पहले देखो आप अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -30 डिग्री 27 या -30 डिग्री एंड 15 मिनट. तो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है. -30 डिग्री 15 मिनट. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में? यस कन्वर्ट ऑलवेज. तो अब माइनस जो है इसके पूरे के आगे लगा हुआ है. All this, you have to consider 30 degree or 15 minute. पूरा आपको consider करना है. 13 degree, 15 minute के आगे minus sign लगा हुआ है. तो इसको कैसे solve करेंगे? ये हो जाएगा -30 degree. ये पूरा आगे इसके साथ minus है.
15 मिनट को आप कन्वर्ट करोगे तो देखो एक मिनट में कितना, मतलब एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60, ठीक है, तो मीन्स एक मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/60, तो आप डिवाइड कर देंगे आप 60 से, तो 15 मिनट/60, ये तो सबको पता ही है ना, प्लस कर देंगे तो ये डिग्री में हो गया, और इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जैसे होता है ना एक डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री, देखो मिनट को जब 60 में मीन्स मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो उस केस में क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 15/60 कर दो, ठीक है, तो 30 डिग्री के साथ क्या है, प्लस भी तो है, ये प्लस हो जाए, तो माइनस 30 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, ठीक है, 1/4, इसका एलसीएम ले लोगे ये हो जाएगा 4 and 120 degree प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 121 degree upon 4, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 121 degree upon 4, तो दिस यू कैन राइट डाउन, माइनस ऑफ 121 degree upon 4, ये आपका ये हो जाएगा माइनस ऑफ 121 degree upon 4, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट, तो माइनस ऑफ 121 degree upon 4, 121 upon 4 degree, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो माइनस देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस वाला हमने इसलिए एग्जांपल लिया बिकॉज कि वो माइनस केवल 30 लिखते हैं और प्लस माइनस केवल मानते हैं केवल 30 के साथ लगा हुआ है, नहीं माइनस जो है पूरा होल के साथ लगा हुआ है, 30 डिग्री और 15 मिनट के साथ, ठीक है, तो ये आपको ऐसे कंसिडर करना है, क्लियर है ना ये पॉइंट, नेक्स्ट तो आप कर सकते हैं ना 30 डिग्री माइनस एंड आप इसको ले लो 10 minutes and 20 seconds, इसको कैसे कन्वर्ट करें, कन्वर्ट कीजिए डिग्री में कितना आ रहा है, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं आपका, कन्वर्ट दिस में माइनस 30 डिग्री 10 minutes and 20 seconds, हाउ वी कैन कन्वर्ट this into degree, so same as what you'll do, देखो आप यहाँ पे minus of 30 degree तो same होगा, अब देखो ये plus में होगा, plus 10 minute को आप क्या करोगे, convert कर दोगे इसमें 10 minute को degree में, तो 10 minute मतलब एक degree में कितना minute होता है, 60 minute we can say, तो 1 minute में कितना degree हो जाएगा, 1/60, तो divide by 60, divide here by 60 to get degree, तो आप यहाँ से degree आपको ये मिल जाएगा, तो 10/60 degree प्लस व्हाट वी कैन राइट डाउन 20, अब देखो 20 क्या है, सेकंड्स है, तो सेकंड्स को पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगेन फिर इसके बाद इसको 60 से डिवाइड करेंगे इसमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तब जाके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब आप इसका आंसर इस तरह से लिखोगे माइनस ऑफ 30 डिग्री प्लस 1/6 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 3 6 1/180, अब इसका एलसीएम आप लोगे और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा आपका किसमें आ जाएगा डिग्री में, व्हाट वी कैन से देखो 180 डिग्री एंड ये हो जाएगा आपका 30 into 1, तो 54 और ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस, और ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड प्लस ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये टोटल कंप्लीटली व्हाट वी कैन राइट डाउन माइनस ऑफ 5400 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो 5431 degree upon 180 degree, ठीक है, ये आपको बोल रहा है माइनस में, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें, तो क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, यस कोई डाउट नहीं है, अब इसमें देखो अब आपको क्या करना है, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज यू हैव टू कन्वर्ट ग्रेड इनटू डिग्री, तो 72 ग्रेड को 72 ग्रेड इज इक्वल टू, अगर 72 ग्रेड की बात करें तो किसके इक्वल होगा, 72 ग्रेड की अगर बात करें तो किसके इक्वल होगा डिग्री में, कितना हो जाएगा बताइए, 72 ग्रेड कितने डिग्री के इक्वल होगा, नेक्स्ट है 80 डिग्री, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट हो जाएगा
समझ में आ रहा है ना सबको? ओके 720 अपॉन 9 डिग्री तो ये सेम ना, मतलब 72 इंटू 9 अपॉन 10, ठीक है 72 इंटू 9 अपॉन 10 डिग्री, ये एंड सी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 84 डिग्री एंड डी नंबर इज नॉन ऑफ दिस। अब बताओ इसका आंसर क्या हो, 72 ग्रेड को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, वो आपको बताया थे, आपको बेसिक बस याद रखना है बेसिक। 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना ग्रेड, 100 ग्रेड, तो 100 ग्रेड में कितना डिग्री होगा समझो यहाँ पे, 100 ग्रेड व्हाट वी कैन से 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, तो 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से 90 अपॉन 100 डिग्री, तो 9 अपॉन 10 डिग्री, ठीक है। तो ग्रेड को अगर हमें क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 9 अपॉन 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 72 इंटू 9 अपॉन 10 ये आपका हो जाएगा डिग्री में, क्लियर है पॉइंट, तो ये आपका डिग्री में ये पॉइंट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको, आपको समझ में आया तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द थ्री एंगल्स, इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 30 डिग्री 5 बाई 6 एंड एंड 50 ग्रेड देन फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बोल रहे कि थ्री एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के, तो पहला एंगल क्या है 30 डिग्री, दूसरा एंगल पाई बाई 6 और तीसरा एंगल आपको 50 ग्रेड दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है ना, फोर्थ एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेम एज अब सबको सबको क्या करो आप फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, इसमें फाइंड आउट करना है डिग्री में, तो डिग्री में आपको जो है फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन आपका ये है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखो पहला आपका 30 डिग्री हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या दिया है पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होगा डिग्री में 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, क्लियर है। अब ये कितना है, ये कितना डिग्री हो जाएगा 50 इंटू 9 अपॉन 10 एंड दिस बिकम्स 45 डिग्री, देखो 45 30 और 30 कितना हो जाएगा 105 और 360 में से 105 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 255 डिग्री, तो ये आपको इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है सबको, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट, क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट, यस इसमें कोई डाउट, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, ओके नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा, तब देखो अगर आपका लेंथ ऑफ द आर्क अगर सेम है, फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, इसमें तीन केसेस बने, केस नंबर 1 इफ लेंथ इज इक्वल टू सेम, मतलब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल की अगर यहां पे बात करें, क्वेश्चन कैसे आएंगे आई विल टेल यू, इफ लेंथ ऑफ द आर्क, इफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू सेम, एल जब सेम होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल, सेम है आपका एल कांस्टेंट हो जाएगा तो थीटा इनटू आर इज इक्वल टू एल, समझ में आ रहा है, तो थीटा इनटू आर इज इक्वल टू एल, एल सेम है तो
एल सेम है तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट? एल सेम है तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मीन्स थीटा वन आर वन, तो थीटा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और थीटा आर कॉन्स्टेंट होगा तो वी कैन से दैट थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस पॉइंट इज क्लियर? तो थीटा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू। इस केस में लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो सर्कल आपको दिया रहेगा टू सर्कल, उसके लेंथ ऑफ आर्क सेम दिए रहेंगे, और आपको रेडियाई का रेशियो अगर दिया रहेगा तो आप इसके एंगल्स का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कैसे आएगा, आर्क आपको सेम दिया होगा, चाप की जो लेंथ है, चाप का जो लंबाई है वो सेम दिया रहेगा, रेडियस आपको दे देगा कि रेडियस का रेशियो जो है वो 3:4 है, और आपसे पूछ लेगा कि एंगल्स का रेशियो कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? समझ में आ गया ना? एंगल्स का रेशियो पूछ लेगा, तो इक्वेशन लिख लो, अगर लिखेंगे इसके ऊपर से टू रेडियाई हैविंग सेम आर्क, टू रेडियाई हैविंग सेम आर्क लेंथ, सेम आर्क लेंथ, सबटेंड सबटेंड डिफरेंट एंगल्स एट देयर सेंटर्स, सबटेंड डिफरेंट एंगल्स एट देयर सेंटर्स, सबटेंड डिफरेंट एंगल्स एट देयर सेंटर। इफ इफ द रेडियस ऑफ देयर रेडियाई, इफ द रेडियस ऑफ देयर रेडियाई is 3:4, if the radius of the radii is 3:4, then find out the ratio of their angles, then find out the ratio of their angles। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो सर्कल है, इसकी आर्क लेंथ सेम है, ठीक है, दो सर्कल है, दोनों के रेडियाई क्या है, रेडियाई का रेशियो दिया हुआ, मतलब इसका अगर आप रेडियस मान लेते हैं आर वन, इसका रेडियस मान लेते हैं क्या आर टू, क्लियर है पॉइंट? इसका लेंथ एल जो है वो सेम दिया हुआ है, एल जितना है उतना ही एल ये भी है लेंथ ऑफ आर्क, तो आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का रेशियो कितना होगा, तो अब देखो यहाँ से, यानी एल कॉन्स्टेंट है तो यही वाला केस बनेगा, एल कॉन्स्टेंट है तो थीटा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और थीटा आर कॉन्स्टेंट होगा तो थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू, यहाँ से देखो ये अप्लाई कर देंगे, थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू, यहाँ से थीटा वन अपॉन थीटा टू, ये तो आपको फाइंड आउट करना है, आर टू अपॉन आर वन, ठीक है, तो आपको दिया क्या हुआ है, आर वन अपॉन आर टू, ठीक है, तो आर वन अपॉन आर टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 3:4, तो 3:4 दिया हुआ है, तो आर टू अपॉन आर वन कितना होगा, 4:3, इसका रेशियो हो जाएगा 4:3, समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर लो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, मतलब एक कांस्टेंट मान लिए 1/r, तो जब l आपका सेम है तो थीटा इज इक्वल टू 1/r, तो थीटा क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, r का, समझ में आ रहा है, तो थीटा यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर r1:r2 3:4 दिया हुआ है तो θ1:θ2 उसका रिवर्स हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4:3, क्लियर है पॉइंट सबको, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका केस नंबर 2 देखते हैं, लिख लिया सब लोगों ने, रेडियस इज इक्वल टू सेम आर, अगर सेम हो तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, क्लियर है पॉइंट, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और रेडियस सेम है तो रेडियस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो थीटा अपॉन एल ये इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो लेफ्ट साइड में लाएंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो व्हाट वी कैन से थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, तो थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, और थीटा अपॉन एल कांस्टेंट होगा तो व्हाट वी कैन राइट डाउन थीटा 1 अपॉन एल 1 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन एल, या जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर आपका कांस्टेंट हो गया तो थीटा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके एल के, और थीटा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के तो आपको पता है जिस रेशियो में थीटा होगा उसी रेशियो में क्या होगा लेंथ होगा, क्लियर है आपको, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू आर नॉट, क्लियर है,
इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे या क्लियर है ये पॉइंट, ये समझ में आ रहा है? लिख लो एक क्वेश्चन, लिखोगे तो टू रेडियाई हैविंग, सॉरी टू सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, टू सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई same radius, subtend angles, subtend angles at their centers are in the ratio of 3:4 and the ratio of 3:4 and the ratio of 3:4. If the length of arc of the first circle is 24 centimeters, if the length of the arc of the first circle is 24 centimeters, then find out the length of arc of the second circle. क्लियर है पॉइंट सबको? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको आर जो है वो सेम है, रेडियस इज सेम, एंड थीटा वन अपॉन थीटा टू कितना दिया हुआ है 3/4, एंड लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल वन दिया हुआ है आपको फर्स्ट सर्कल का, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे सर्कल का मीन सेकेंड वाले सर्कल का आर्क का लेंथ क्या होगा? क्लियर पॉइंट? तो सेकंड वाले सर्कल के आर्क का लेंथ क्या होगा? तो व्हाट वी कैन से, थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू व्हाट, एल वन अपॉन एल टू, वी नो दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. एल की एल क्या होगा, एल वन अपॉन एल टू, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3/4, इसलिए कि थीटा वन अपॉन थीटा टू 3/4 है और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के. तो एल वन अपॉन एल टू भी 3/4 आ जाएगा. ठीक है, अगर 3 के लिए आपको 24 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है? 3 के लिए अगर 24 सेंटीमीटर है तो 4 के लिए कितना होगा 32 सेंटीमीटर. क्लियर है सबको? समझ में आया? वैसे अगर 3 पार्ट के लिए आपका 24 सेंटीमीटर है तो 4 के लिए कितना होगा 32 सेंटीमीटर. तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर. सर ये कैसे आएगी? समझ में आया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं ना सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है, वैल्यू रख दो. देखो समझो, अगर आप वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एल वन की वैल्यू रख दो, एल टू की वैल्यू निकाल लो यहाँ से. ठीक है, एल वन की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर अपॉन एल टू इज इक्वल टू 3/4, ऐसे आप एल टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सेम आएगा. लेकिन देखो अगर 3 के लिए 24 सेंटीमीटर है, 3 के लिए 24 सेंटीमीटर है तो 1 मिनट के लिए कितना होगा 8. समझ में आ रहा है? 3 के लिए अगर 24 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 के लिए लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 1 मिनट के लिए कितना होगा 8 सेंटीमीटर. तो आपका 4 मिनट के लिए कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 सेंटीमीटर. क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से हम करते हैं. नेक्स्ट इज केस नंबर 3. केस नंबर 3 इज इफ यस अभी जो है आफ्टर नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर थीटा कॉन्स्टेंट होगा उस केस में क्या हो जाएगा? व्हाट वी कैन से कि थीटा कॉन्स्टेंट होगा तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहां से एल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के. क्लियर है? यहां से एल वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन आर टू, या पॉइंट लिख सकते हैं. समझ में आया सबको? दिस इज केस नंबर 3. केस नंबर 3 आपका हो गया. इस पे क्वेश्चन करनी है, समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? लिखोगे क्वेश्चन या ठीक है समझ में आ गया, इट इज ओके, लिख लो. थीटा दोनों में सेम कांस्टेंट, ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है, हाँ लिखो 2
two circles having the radius having their radius having their radius 24 centimeter and 96 centimeter 24 centimeter and 96 centimeter subtend equal angles at their centers. Subtend equal angles at their centers. If the length of arc of first circle is 48 centimeter, then find out the length of the arc of the second circle. क्लियर है? देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेकंड सर्कल. आप नहीं लिख पा रहे हैं तो राइट ऑन द डायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप देखो इसमें एग्जांपल में क्या होगा. समझिए एग्जांपल में. तो एग्जांपल में कैसे करेंगे हम लोग, देखो जैसे यहाँ पे क्या है आपका थीटा सेम है. अब आर वन दिया हुआ है आपको, आर वन कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आर टू दिया हुआ है आपको 96 सेंटीमीटर. तो यहां से आपका L1 और L2, L1 कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर. आपको L2 पूछा जा रहा है कि L2 क्या होगा, तो फाइंड आउट कर लोगे ना. L1 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2. L1 अपॉन L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. देखो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R1 अपॉन R2 यहां से आप फाइंड आउट कर लो. R1 अपॉन R2 कितना होगा, ये देखो 24 अपॉन 96 1 अपॉन 4 24 अपॉन 96 मतलब 24 4 96 1 अपॉन 4. समझ में आया सबको? आपको नहीं समझ आ रहा तो 1 अपॉन 4. ठीक है, अगर L1 देखो अब तो L1 अपॉन L2 का भी रेशियो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4, इसलिए कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. L क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के. L1 अपॉन L2 का भी रेशियो 1 अपॉन 4 हो जाएगा. ठीक है, तो 1 के लिए अगर कितना है 48 सेंटीमीटर है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 48 into 4. क्लियर पॉइंट? तो 1 के लिए कितना है 48 सेंटीमीटर है तो 4 के लिए 48 into 4. समझ में आ रहा है ना? This is what 192 centimeter. L2 की ये वैल्यू आ जाएगी. L2 is equal to 192 centimeter. Clear है point? तो इस तरह से करना. अब आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर. एक क्वेश्चन और भी है इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा. एक वायर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का के रेडियस में उसको मोड़ा जाता है. ठीक है, उस वायर की खुद की थिकनेस जो है वो आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस वायर की खुद की रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब उसको बेंड करेंगे 12 सेंटीमीटर रेडियस में तो वो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा उसके सेंटर पे वो कितना बनेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया. बता सकते हैं आप लोग? देखो एक लिख उसको भी कर ही लो साथ साथ में. लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, a wire of radius 7 centimeter, लिख लो a wire of radius 7 centimeter, a wire of radius 7 centimeter is drawn into the shape of a circle. Radius 12 centimeter. Then find out the angle subtended by the arc. So wire ka radius on the length hi hota hai. On the center of the circle. ठीक है, तो वायर का ऐसे लिख लो, लेंथ ही लिख लो आप. लेंथ लिखोगे तो देखो, लेंथ लिखोगे तो फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको? वायर की लेंथ वो पूरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. यहाँ पे रेडियस ही अप्रोप्रिएट होगा, रेडियस ही ठीक है. अब फाइंड आउट कर कीजिए रेडियस, मतलब वायर क्रॉस सेक्शन.
क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके उसका रेडियस। हाँ देखो वायर भी खुद में क्या होगा, वो भी सर्कुलर होता है। समझ में आ रहा है आपको ये पार्ट? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व दिस पार्ट? देखो ये आपका वायर जो है वो सर्कुलर होता है, ये दिया हुआ है आपका, ये सर्कुलर होता है ना वायर, अपने आप में सर्कुलर होता है, क्लियर है? तो इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। इसका आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसका आर्क का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, मीन्स 2 × π इंटू 7, क्लियर है? तो 14 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? 14 पाई हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इस वायर को जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल, मतलब सर्कल के शेप में, उसका रेडियस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है? इस वायर को इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के शेप में, ये वायर हो गया। तो इसको जो है वो सर्कल के शेप में बना रहे हैं, इसका सेंटर। तो अब ये जो है ये इसके द्वारा जो इसका थिकनेस है ना, इसके द्वारा जो है सेंटर पर ये एंगल कितना बनेगा, ये बोला जा रहा है। समझ में आया आपको, सबको समझ में आया? तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, क्लियर है? एल अपॉन आर, तो थीटा आपका हो जाएगा एल अपॉन आर, एंड एल की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, एल इज 14 पाई, इसका लेंथ ऑफ आर 14 पाई अपॉन आर, आर कितना है 12, ठीक है? समझ में आया? तो 14 पाई अपॉन 12, क्लियर है ना? अब यहाँ से थीटा की वैल्यू डिग्री में आप निकाल सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू डिग्री में कितना हो जाएगा 14 पाई, तो 14 × 180 अपॉन 12, 12 से देखो ये 6 है, तो 2 6 12, एंड ये 6 से 30 डिग्री, एंड ये 2 से 7, तो 37 सा 210 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा आपका 210 डिग्री। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है, तो काफी इनसी क्वेश्चन, सर्कल एक 2D शेप होती है, क्या सर्कल एक 2D शेप होती है, सर्कुलर शेप में किया गया ना, आप समझिए इस चीज़ को, वायर है ना, वायर का भी तो खुद में थिकनेस है, ये थिकनेस वायर का, तो वायर का जो थिकनेस है ना उसके द्वारा एक्चुअल में पूछा जा रहा है कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। अरे वो आर का जो आर की लेंथ है 14 पाई के इक्वल कैसे, 14 पाई नहीं होगा सर, वो तो पूरी वो तो पूरा वो हो गया ना सर्कमफेरेंस, वायर को जब हम उठा के देखेंगे उसका जो पूरा सर्कमफेरेंस। आप समझिए इस का, अब देखिए वायर का, देखो वायर की अपनी थिकनेस होगी ना, मोटाई होगी, समझो इस पार्ट को, वायर मोटा होगा, जैसे वायर हो गया आपका, तो इसका अपना थिकनेस होगा, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, ये होगा ना इसका लेंथ, वो तो आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया ना, फिर पाई 2πr इनटू h करेंगे तब उसकी पूरी लेंथ निकलेगी, मतलब उसका सरफेस एरिया, सॉरी यू कैन से दैट कि 2πr इनटू h, तो एक सिलेंडर फॉर्म हो गया, तो उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा ना, तो बड़ा होगा, लेकिन अगर उसका एक क्रॉस सेक्शन आप लेते हो, अगर उसको कट करते हो तो कैसा होगा, सर्कुलर शेप में होगा, आपको समझ में आ रहा है? तो जब आप इसको कट करेंगे तो सर्कुलर शेप होगा, वायर जैसे इसी तरह का होता है सर्कुलर शेप में, तो जब इसका एक क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो कैसा होगा, सर्कुलर शेप होगा, और इस सर्कुलर शेप के द्वारा इस सेंटर पे, मतलब इसको फिर से वायर को क्या किया जा रहा है, वायर की लेंथ हमें नहीं पता, बस इस सर्कुलर शेप के द्वारा इसके सेंटर पे पूछ रहा है कितना एंगल, सर इसका सर 7 पाई हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पाई हुआ सर, इसकी आर की लेंथ 2 पाई, आर की वैल्यू दी गई है ना 7, सर 7 पाई हुआ, 7 पाई हुआ सर, तो ये वाला जो एरिया है एक साइड जो सर्कल का होगा हाफ सर्कमफेरेंस वो तो इग्नोर करेंगे ना, और जो बाहर वाला होगा उसे लेंगे बस, तो वो तो 5 7 मतलब 7 पाई हो जाएगा। तो एक मिनट, ये जो है ये एरिया जो है, मतलब ये लेंथ आप कहना चाह रहे हो कि ये पूरा नहीं, नहीं अंदर वाली जो चीज है उसे इग्नोर करेंगे पर बाहर वाले को देंगे बस, आप कहना चाह रहे हैं व्हाट डू यू वांट टू से, आई नो अबाउट दैट, आप कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पार्ट को लेंगे, ठीक है ना, और बाहर वाले को लेंगे, अंदर वाले को इग्नोर, बाहर वाले पार्ट को लेंगे मतलब इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे सर, ऊपर वाले पार्ट को कैसे इग्नोर करेंगे, बाहर के पार्ट को कैसे इग्नोर करेंगे, ऊपर वाला पार्ट है वो बाहर का पार्ट हो गया, एंगल सर कुछ किस टाइप का बनेगा ऐसे, सुनो लेंथ ऑफ आर्क है ना, आपको समझ में आना चाहिए, वो एंगल बनेगा, यू आर राइट कि एंगल बनेगा, लेकिन इसके लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा पूछा जाता है, समझिए इस पॉइंट को, आप क्या कर रहे हैं, आप जो है उसका इसका एंगल देख रहे हैं, ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क होगा, समझ में आ रहा है पॉइंट, ये उसका जो है वो पूरा, समझिए इस चीज को, आप जो है लेंथ ऑफ आर्क आप क्या देख रहे हैं, आप जो है माइंड अप्लाई कर रहे हैं कि ये लेंथ ऑफ आर्क जो है इसका आधा, जैसे 2πr /
हाफ आप ए करना चाहेंगे सेमी सर्कल को, ठीक है, उसके द्वारा जो उसका एंगल बनेगा इसके ऊपर, यही आप कहना चाह रहे हैं। यू वांट टू से लाइक दिस, बट मेरी क्वेश्चन गलत है। क्लियर है पॉइंट? अगर आपको ऐसा दिया होता कि अगर आर्क के द्वारा, ठीक है, केवल अगर आर्क लिखा होता तब जो है आपका पाई आर होता। क्लियर है पॉइंट? तब आपका पाई आर होता। क्लियर है ना ये? अगर केवल आर्क दिया होता तब आपका जो है वो पाई आर होता। समझ में आया? आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन है अरिहंत का ही क्वेश्चन, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, काफी इम्पोर्टेंट।